नमस्कार, मैं अश्विनी। महाराष्ट्र TV24 में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौकरी दिलाने के नाम पर नर्स से 12,75,000 रुपए की ठगी। सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने का दिया झांसा। हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले दो चैन स्नैचरों को पुलिस ने धर दबोचा। और उपराजधानी नागपुर शहर में नशाखोरों और नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए बड़ा बाजार। अब खबरें विस्तार से। नौकरी लगा देने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने नर्स को लाखों रुपए से ठगने का मामला उजागर हुआ है। शुक्रवार को अजनी थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। हिंगना रोड पर SRPF कैंप के पीछे विजयनगर निवासी होमदास पाटिल की बेटी ने नर्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वह नौकरी के तलाश में थी। इस दौरान उनके संपर्क में आए अजनी रेलवे क्वार्टर निवासी सिद्धार्थ दौलत दौराड ने उनकी बेटी को सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। इस दौरान उनके संपर्क में आए अजनी रेलवे क्वार्टर निवासी सिद्धार्थ दौलत दौराड ने उनकी बेटी को सरकारी अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा दिया, लेकिन उसके बदले में रुपए की मांग की। चूंकि सरकारी नौकरी होने से होमदास रुपए देने के लिए तैयार हो गए। 28 अगस्त 2020 से 10 जुलाई 2022 के बीच उन्होंने NFT कर सिद्धार्थ को 12,75,000 रुपए दिए। रुपए देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से होमदास ने सिद्धार्थ से रुपए वापस मांगे तो वह टालमटोल जवाब देने लगा। तब मामला थाने पहुंचा। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले दो चैन स्नैचरों को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के नाम बेलदरोडी निवासी रोशन कामले और हुडकेश्वर निवासी प्रहलाद चकुले बताया गया। जानकारी के अनुसार करीब 15 दिन पहले बेसा रोड मानेवाड़ा निवासी मेघा सरडे शाम करीब 6 बजे अपनी माँ के साथ श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन करके घर जा रही थी। इसी बीच दोपहिया वाहन पर आए युवकों ने उनके गले से 15,000 रुपए कीमत का मंगलसूत्र छीना और भाग गए। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। उपराजधानी नागपुर शहर भी अब नशाखोरों और नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए बड़ा बाजार बनता जा रहा है। पिछले 10 साल तक नशीले पदार्थों की बिक्री के बहुत कम मामले सामने आते थे, लेकिन वर्ष 2016 से लगातार नशे के सौदागरों के खिलाफ मामले दर्ज कर गिरफ्तारियां भी की जा रही है। महज वर्ष 2020 के कोविड काल को अपवाद मान लिया जाए तो इसके बाद से अपराध शाखा की टीम लगातार NDPS कानून के तहत मामले दर्ज कर रही है। वहीं इन मामलों में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी की संख्या लगातार बढ़ी है। पुलिस विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष नशीले पदार्थ की अवैध बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ 423 मामले दर्ज कर अब तक सबसे ज्यादा 558 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4,74,39,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। खबरों में अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहां आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबरों पर। माता पिता द्वारा डांटने से नाराज होकर दो नाबालिग भागकर इतवारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यह संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए दिखाई देने पर ट्रेन क्लर्क एस पंडित मैदगो ने बच्चों को पूछताछ करने के बाद GRP के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार कलमना निवासी दो भाई बहन, जिनकी उम्र 12 व 8 साल है, उन्हें किसी कारण से माता पिता ने डांटा।
तो दोनों घर से भागकर स्टेशन पर आ गए। गनीमत रही कि किसी अपराधी के चंगुल में चढ़ने से पहले ही उन्हें रेल कर्मचारी जीआरपी के पास ले गया। इतवारी जीआरपी ने सिपाहियों को बच्चों के माता पिता के बारे में पता लगाने के लिए कहा। पश्चात कलमना पुलिस की मदद से माता पिता तक पहुंचना संभव हुआ। बच्चों को माता पिता को सौंप दिया गया। मामूली विवाद में 7 युवकों को कार से कुचलकर जान से मारने का प्रयास किया गया। रोंगटे खड़े करने वाली यह घटना आउटर रिंग रोड पर पांजरा टोल नाके के पास हुई। इस मामले में बेलतरोड़ी थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी विद्यार्थी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश कर पुलिस की रिमांड पर लिया गया। नंदनवन शिवनगर निवासी जख्मी तशिक किशोर ध्रुवे और उसके मित्र रोहित शंकर रोडगे, कार्तिक राजेश जायसवाल, अमन जितेंद्र शिंदे, अभिषेक राजू भलावी, सौरभ सुनील चिचालकर और ओम प्रकाश नागमुड़े हैं। सभी मित्र गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात 3 दोपहिया वाहनों से आउटर रिंग रोड पर पांजरा टोल नाके के पास भोजन करने गए थे। टोल नाके पर पहले ही कार में सवार आरोपी कार चालक विद्यार्थी आयुष बबन शिंदे, सुयोग नगर निवासी मित्र प्रज्वल आशीष कामले, सौरभ सुनील झोड़ापे और सौरभ भीमराव डोफे चीज भवन के पास काचोरे पाटिल निवासी थे। पूर्वी नागपुर के वाठोड़ा खरबी इलाके में वित्तीय विवाद के कारण एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और उसके दोस्त की दिन दहाड़े हत्या की चौंकाने वाली घटना हुई है। सनी एक परिवहन पेशेवर है जिसने मृतक किरण शिंदे को ईएमआई पर वाहन खरीदने में मदद की थी। हालांकि जैसे ही किरण अपनी ईएमआई का भुगतान करने में विफल रही, सनी को फाइनेंस फर्मों से कॉल आने लगी। इसलिए खरबी के साई बाबा नगर में उनके बीच विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि किरण ने दोनों पर पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान दोनों की मौत हो गई। इस मामले में किरण शिंदे समेत सभी संदिग्ध आरोपियों को वाठोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू है। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर खरबी रिंग रोड नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।